पाकिस्तान में कट्टरपंथियों द्वारा फिर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। ये घटना सिंध प्रांत के शीतलदास परिसर में हुई। उग्र भीड़ ने इस दौरान हिंदू परिवारों पर भी हमले का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय मुसलमानों के विरोध के चलते वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। ये घटना रविवार को शीतलदास परिसर में हुई, जहां करीब 300 हिंदू परिवार और 30 मुस्लिम परिवार रहते हैं। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि काफी आदमी परिसर के एकमात्र गेट के बाहर एकत्र हो गए थे और इनमें से कई लोगों का हिंदू परिवारों पर हमले का इरादा था। हालांकि परिसर में इसके आसपास रहने वाले मुसलमान तुरंत द्वार पर पहुंचे और भीड़ को इलाके में घुसने से रोका। एक हिंदू व्यक्ति ने पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा, सूचना दिए जाने के बाद कुछ ही मिनटों में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। एक अन्य हिंदू व्यक्ति ने कहा, उग्र भीड़ के कुछ लोग मंदिर तक पहुंच गए और इसमें तोड़ फोड़ का प्रयास किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगाइयों के हमले में मंदिर की 3 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई है। वही पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यदि मुस्लिम परिवार तुरंत मदद के लिए नहीं पहुंचते तो अनहोनी हो सकती थी। वही जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद 60 से अधिक हिंदू परिवार शीतलदास परिसर छोड़कर शहर के अन्य इलाकों में रहने चले गए हैं। मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में 220 मिलियन की आबादी में से लगभग 2% हिंदू है और इनमें से ज्यादातर सिंध प्रांत में रहते हैं। सिंध में हिंदू मंदिर पर ये तीसरा हमला है। इससे पहले 2 बार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।